इस दुनिया में इंसान को भेजा तो एक वक्त मुकर्ररा के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए भेजा, और इसका आना न इत्तेफाकी हादिसा है न इसका जाना इत्तेफाकी हादिसा है। ये सब प्री प्लान्ड है रब्बुल आलमीन के हुक्म पर। वकद्दरहु तकदीरा, अल्लाह तबारक व तआला ने तकदीरें बना दी थी इस कायनात के पैदा करने के 50,000 साल पहले। जबकि अहादीस में अल्फाज यहां तक हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहली चीज मखलूक के एतबार से जो बनाया वो कलम को बनाया, और कलम से कहा कि लिख, और कलम ने पूछा कि क्या लिखूं, तो फरमाया कि मकादीर कुल्ली शय, पूरी तकदीरें, हर एक की तकदीरें लिख दे, जो कुछ होने वाला है वो सब का सब लिख दे। तो उसके हुक्म से कलम ने लिख दिया, और वो कियामत तक जो कुछ होगा वो सब का सब हम सब के आने से नहीं बल्कि कायनात के बनने से 50,000 साल पहले कलम लिख चुका। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खुश्क हो चुका, अब जो कुछ भी हो रहा है वो तकदीर के मुताबिक हो रहा है, न इससे सरमों कोई इनहराफ हो सकता है, न कोई तब्दीली हो सकती है, न कोई आगे पीछे हो सकता है।